हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉग्स में। आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है कि मैं अभी सुबह सुबह उठा हूँ और मेरी सुबह हुई है करेक्ट 11 बजे मेरी सुबह हुई है। आज पता नहीं स्कूल की छुट्टी क्यों करी गई है, मेरे को भी नहीं पता। पता नहीं मम्मी ने उठाया नहीं आज, आज मम्मी का काम था इसलिए आज मम्मी कहीं गई हैं। और सुबह की चाय आ गई है और हम सुबह की चाय अनुपमा देखते हुए करते हैं। बहुत अच्छा नाटक है अनुपमा, सबको पसंद है। सुबह सुबह हमारे घर में यही चलता है। सुबह की चाय हमारी आ चुकी है, हम चलिए अब चाय पी लेते हैं। अगर आपको पीना तो आ जाइए, फिर मत कहना कि बुलाया। दोस्तों चाय मैंने पी ली है, अब देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, चलिए हम चलते हैं। यही जगह मिली सोने की है? हाँ खुजली कर ले तू, कर ले खुजली। हमारी चाय खत्म हुई है, तुम्हारा खाना? खाने अरे लेना जरूरी है, खाने के टाइम चाय पीता है। क्या करें, हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। और शाम को चाय पीने के टाइम तुम लोग खाना खाते हो, उस टाइम तुम लोग चाय पी लेते हो। चाची की फेवरेट जगह यही है, यहीं लगी रहती है हमेशा। फेवरेट जगह यही है तुम्हारी? क्या करूं भाई, करना तो पड़ेगा ही ना। हाँ आज स्कूल था, आज स्कूल था, उठ गए लेट। हाँ वो भी नहीं गई, और मेरा तो पता है मेरे को कोई उठाया तभी उठता हूँ, पुरानी आदत छूटे ही नहीं कभी। काफी बड़ी लावा है, जब ब्लीच उठा लावा बस तो खा ली। ब्राह्मणों के घर में अम्मा चेयर को छोड़ के सब जमीन पे खाना खाते हैं। असली ब्राह्मण वही होते हैं। हमारी सुबह सुबह चाय होती है, सबका नहाना खाना पीना सारी चीज। चाचा सुबह सुबह चाचा कितने बजे उठे? कितने बजे उठे सुबह? मैं उठा हूँ सुबह 7 बजे का। 7 बजे? 7 बजे उठ के क्या कर रहे थे? और देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हैं। सुबह 7 बजे उठ के क्या कर रहे थे? लड़के को तैयार किया, स्कूल छोड़ने गया था। अच्छा ऋषभ को स्कूल छोड़ने गए थे? या, या। और अब नहाए हैं? अब नहा धो के पूजा पाठ करके अब कहाँ जाना है? खाना खाने उसके बाद जाना है, वहां से काम से होकर के आएंगे फिर वीडियो बनाएंगे। तो गाइस देखो मैं नहा के तैयार हो गया हूँ, बताइए कैसे लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग, तारीफ करता है। हाँ तुम बोल लो, तुम बोल लो। मैं बोलूंगी अच्छी खासी वीडियो बनने, खराब करने के लिए आ रही बार बार बीच में, कमेंट करके जो बताने कैसे। तो मैं तो अच्छा ही लग रहा हूँ फिर। तो गाइस अभी इंडिया का मैच होने में अभी कुछ टाइम है, अभी वो सबसे बोलते रहते हैं मैच देखने का कोई फायदा नहीं है, जब बैटिंग या बॉलिंग स्टार्ट होगी इंडिया की तब मजे आएंगे देखने में। और इंडिया ही जीतेगी क्योंकि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो क्योंकि मैच में मजे आ जाएंगे, इंडिया का मैच हमें देखने में मजे आएंगे। ठीक है जब मैच स्टार्ट होगा आपको भी दिखाऊंगा और मैं खुद भी देखूंगा, ठीक है? तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस। में अब मैच स्टार्ट हो चुका है, अब मैं और आपको स्कोर बताता रहूंगा कि इंडिया और इंग्लैंड का स्कोर क्या चल रहा है और मैच कैसा है। हाँ तुम बोल लो, ये भी यही बैठा रहता है हमेशा, बेचारा मैच देख रहा था और भगा दिया उसको। मैच स्टार्ट हो गया गाइस, देखते हैं कौन जीते, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, इंडिया जीतेगी ऐसा बोलेंगे हम, ये इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। चलिए हम देखते हैं मैच। तो गाइस स्कोर कुछ इस प्रकार है कि अब दूसरे ओवर में ही दूसरे ओवर में ही केएल राहुल आउट हो गया, पता नहीं था इतने जल्दी आउट गया बंदा यार, इतना अच्छा खेलता है। तो इसी प्रकार हमारा अभी खाने का टाइम हो चुका है, टाइम हो रहा है 1:30 बज चुके हैं, 1:30 से ज़्यादा ही हो गया वैसे, अब खाने का टाइम हो गया, चलिए हम खा लेते हैं।
आज है सोया है चाप और रोटी, जिसको खाना है आज ही है, फिर कहना मत कि बुलाया नहीं हमने। आज गाइस इंडिया हार गया, क्या वीडियो बनाऊंगा, अंदर से दिल टूट गया। इंडिया मैं बोलता हूँ हेलो गाइस, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपने तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार पांडे और हमारे साथ बैठे हैं बड़े ही उम्दे कलाकार जिनका गाना अभी बहुत चला है, ये हमारे जाने माने सिंगर कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने उम्दे कलाकार हैं। इनकी तरफ पेश की, इनकी तरफ कैमरा करिए प्लीज। हाँ, तो ये हमारे भोजपुर से बिलोंग करते हैं, अयोध्या नगरी से। तो ये कुछ दिन पहले आए थे बेचारे, बहुत ही थके हारे से कि हमको कुछ, ये बहुत ही अच्छे कलाकार थे। ये क्या करते थे, गांव में कई खेतों में गाया करते थे। तो ऐसा हुआ जब मैं एक दिन गया इनके यहाँ, तो इनको गाते हुए सुना, गाना इनका बहुत ही अच्छा लगा। एक पवन सिंह का गाना गा रहे थे, कोई वो लॉलीपॉप लागे लू करके, मैंने बहुत लोगों के सुना, बहुत लोगों के मूवी सुना पवन सिंह के, मगर जब इन्होंने गाया तो खतरनाक मजा निकलती है सदम है। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आइए दिल्ली, आइए गाने वाने गाइए। थोड़ा सा इनको बताया गया, मैं तो इनको समझाया किस तरीके से गाना है, तो कुछ लोगों से मिलवाया मैंने इनको। तो इनका एक गाना आजकल बहुत बड़ा ही फेमस हो रहा है, बड़ा चर्चित गाना है, जो आप देखिएगा तो सुनिएगा तो आप, बहुत अच्छा गाना गाया इन्होंने और बहुत ही अभी उभरते हुए सितारे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे तुषार का जो चैनल चल रहा है, फैमिली ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग्स। और इनके बारे में तो बताना भूल ही गया, कैमरा इनकी तरफ कीजिए। हाँ, तो ये है कुलबुल पांडे जी, कुलबुल पांडे उर्फ सर्वेश, सर्वेश पांडे उर्फ कुलबुल पांडे, इनका गाना अभी चल रहा है, इधर कीजिए। अब लिपस्टिक लगा के निकलती, इस तरह गाना है जो आपको अभी गा के सुनाएंगे अपनी आवाज और अपने रिदम से, जिस सुर और ताल से लोगों को इन्होंने दीवाना बना रखा है, कायल कर रखा है। बहुत ही बेचैन है लोग इनसे मिलने के लिए, बहुत ही परेशान है। यूपी में बहुत चल रहा है, यूपी में दबा के चल रहा है, लोग सुन नहीं रहे, मतलब बहुत सुन रहे हैं। अगर आपको बुरा लगे तो आप कान में उंगली दे देना। अब आप देखिए, गा के सुनाइए सर। बेइज्जती सोशल मीडिया पे, गा के सुनाइए, हमको पता आपने डाला है। कहा सुनाए, हमको आता नहीं, सुनाइए जो आपने गाया है सर। फेमस होने का मौका मिल रहा है तुम्हें, फैमिली ब्लॉग्स में आए आप इस टाइम पे, आप दुनिया की नजरों के सामने हैं, आप इस टाइम पे दुनिया हमारी नजरों के सामने है। गाइस जब खाने का टाइम हो चुका है, चलिए मम्मी से पूछते हैं कि खाने में बना क्या है। मम्मी आ भाई, तुम खाने में क्या बना है? दाल चावल बस। तू तो दाल चावल खाता है, क्या दिक्कत है? दाल चावल ही खाता हूँ, दाल चावल ही बना। कुछ सैलेड वैलेड थोड़ा अच्छे तरीके से बोलना, ये दाल चावल। अरे कोई बात, चावल चावल ले ले, सैलेड ले ले, कोई बात, चटनी ले ले। चलिए हम खाना निकालते हैं, जब तक अपना तब तक के लिए बने। तो गाइस सोने का टाइम हो चुका है, करेक्ट 12 बज गया आज हमको सोते सोते। तो मैं अभी जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने, एडिट करने के बाद सोऊंगा। तब तक के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरी वीडियो देखना, बहुत अच्छी है। इसमें मैंने अपने परिवार मेंबर्स को आपको मिलवाना है, मिलवाया है, देखना जरूर जाके। चलो गुड बाय, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।